वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी साधर्मियों को। सतपथ प्रश्न मंच में आप सबकी सक्रियता से जो भाग ले रहे हैं उसके लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इस प्रतियोगिता में जहां भी जिसको भी कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा हो उसके लिए अपने यह कार्यक्रम रखा है शंका समाधान का। सतपथ प्रश्न मंच से संबंधित आप अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए बिना किसी औपचारिकता से प्रारंभ करते हैं। 1008 साधर्मी हैं। आप जिसको भी बुलाना चाहें उसे स्पॉटलाइट कर देवें और अगले को स्पॉटलाइट करके रखें ऐड स्पॉटलाइट से ताकि वो क्रम बना रहे। जी 1008 जी अनम्यूट है जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। ये 792 वाला असत्य सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है उसको परमार्थ से मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ व्यवहार से कि इसका उत्तर पंडित जी साहब ने 9वें अधिकार में दिया है शायद अंतिम प्रश्नों से होना चाहिए और बहुत ही युक्ति युक्त जवाब दिया लॉजिक देके जवाब दिया है कि उसको हम परमार्थ से मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा। और ये प्रश्न जहां तक है ये 310 से लेके 315-16 पेज के बीच में है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। ठीक है जी। नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र मैं सेलू महाराष्ट्र से बोल रही हूँ पंडित जी। जी बोलिए पंडित जी। मुझे 498 के बाद डायरेक्टली 728 वा क्वेश्चन आया है तो ये प्रिंटेड मिस्टेक सिर्फ मेरे ही प्रश्न मंच में आई है या सबके प्रश्न मंच में आई है? मेरे पास तो अभी इस तरह का पहला वो अवसर आया है जहां तक है आप ही के पास आना चाहिए क्योंकि अभी तक अन्य किसी की शिकायत नहीं आई है इस तरह की बाइंडिंग। हाँ। में हो सकता है कुछ पन्ने छूट गए हों तो आप या तो PDF उपलब्ध करा लीजिए और वहां से आंसर शीट तो आई गई होगी आपके पास पूरी। हाँ। तो पेज नंबर पूछ लीजिएगा कौन से पेज नंबर के बाद कौन सा पेज नंबर आया है क्रमिक पेज नंबर। हेलो। हाँ या तो आप प्रश्न को प्रश्न पत्र जो है आपके पास PDF से मिलान कर लीजिए वहां से प्रश्न पढ़ के उत्तर पुस्तिका में भर दीजिए। हाँ जी साहब बोलिए। नेक्स्ट। भैया जी मेरी आवाज आ रही ना? आ रही है। भैया मेरे को भी वही पूछना था 972 वाला असंयम सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं हुआ उसको परमार्थ से मोक्ष मार्ग हुआ या नहीं हुआ वो तो मुझे लाइन बराबर मिल गई है लेकिन है ना उसमें दोनों चीज लग रही है
यानी कि पंडित जी कह रहे हैं अब आगे होगा, यानी बिल्कुल क्लियर वैसी लाइन नहीं है, तो उसमें कैसा करेंगे फिर? यानी दोनों बातें निकल रही ना, उसमें हुआ भी है और नहीं हुआ भी और होगा भी, तो उक्त दोनों ही लिखना पड़ेगा। अब वो प्रश्न पढ़ के आप उसको देख सकते हैं पुनः पुनः, ये उत्तर तो वहीं से है, ये मोक्ष मार्ग उत्तर तो वहीं से है, यानी हाँ बिल्कुल सही, मैंने पढ़ी दो तीन बार। हाँ तो अब वो दोनों चीज आ रही है ना असल में, एकदम उस लाइन से एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। अब वो ही है ये समझो, प्रश्न पत्र होने के बाद भी अपन एक शंका समाधान रखेंगे, तो वहां फिर हम युक्ति युक्त जवाब देंगे, यहाँ यही उत्तर क्यों आएगा। अच्छा अच्छा उससे पहले हम ये नहीं कह सकते यहाँ यही आएगा, हम तो लगभग बता सकते हैं कि इस मोहल्ले में ये व्यक्ति मिल जाएगा, इस पेज नंबर पे, इस अधिकार पे ये मिल जाएंगे। ठीक है भैया, जय जिनेंद्र भैया। रजनी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। ये टोडम्बल व्यक्तित्व कर्तृत्व के 892 क्वेश्चन में इसमें 1,00,000 श्लोक प्रमाण लिखा है पंडित टोडम्बल व्यक्तित्व कर्तृत्व पुस्तक में, और आपकी पत्रिका में लिखा है 1,00,000 श्लोक प्रमाण, और पत्रिका में लिखा है 60,000, तो कौन सा सही माने भैया जी? आप उस पूरे प्रकरण को पढ़ के निर्णय कीजिए क्या सही है, एकाध पंक्ति को पढ़ के निर्णय मत कीजिए। शुभम जी बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। आप जो है रजनी जी, टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व को आप व्यवस्थित पढ़िए, कम से कम जो दो अध्याय दिए ना हमने, दूसरा और तीसरा पढ़ा भैया जी हमने, उसको पूरा पढ़िए, तो उसमें आपको एक जगह ऐसा मिल जाएगा इस प्रकार टोडरमल जी के कुल साहित्य की इतने श्लोक प्रमाण है, उसको मानिए। इसमें आपकी सब पत्रिका में 1,00,000 लिखा हुआ और वहां का लगाया नहीं भैया जी, मैंने दो बार पढ़ लिया। ये तो हम प्रश्नमन जब संपन्न हो जाएगी फिर हम बताएंगे कि यहाँ भी यही लिखा है, यहाँ भी यही लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा है। अब आपको खोजने का विषय है ताकि आपको मिल जाए वो कहाँ पर है, वो आप ढूंढ सकते हैं। व्यक्तित्व कर्तृत्व में भी आपको और इसमें भी दोनों में समान उत्तर मिल जाएगा। हेलो पंडित जी। जी अभिलाषा जी जैन। मैं मीरा जानदार बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। मुझे थोड़ी दिक्कत है, आप मुझे थोड़ा बताइए। जी मुझे प्रश्न मंच मिला है तो उसमें डायरेक्टली छठवा अधिकार आया है चौथी के बाद, और नौवा अधिकार डबल आया है, और क्या और 498 के बाद डायरेक्टली 7728 प्रश्न आया है क्वेश्चन। आपके पास यदि पुस्तिका हो तो पुस्तिका मुझे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं वीडियो चालू करके, ये पुस्तिका है और ये स्थिति है, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या स्थिति है उसकी। हाँ ना उत्तर सूची में बराबर ये आए नंबर, लेकिन प्रश्न मंच में प्रश्न नहीं आए बराबर। विपिन जी इसका जवाब ये है कि 48। हाँ जी हाँ देखो बताइए, ये देखो ये इधर है और ये डायरेक्ट, अरे कुछ पन्ने छूटे हुए हैं आपका कहना ये है। हाँ हाँ तो आप पीडीएफ से मिलान कर लीजिए, कितने पन्ने बाकी है इसमें? 48 आया है ये पेज नंबर और डायरेक्टली 65 और आगे पीछे बहुत पन्ने हो गए हैं, देखो मैं दिखाती हूँ। और इधर देखो 838 ये क्वेश्चन आया, फिर 622। ओके हाँ तो ये बाइंडिंग मिस्टेक है, और भी अन्य साधर्मियों से निवेदन है यदि इस तरह की समस्या आई है कृपया अधिक से अधिक संख्या में सूचित कीजिए, ताकि हम प्रिंटर से जिन्होंने बाइंडिंग किया उनसे कह सकें। एक आध पुस्तक आती है तो उसमें कहते थे ठीक है भाई एक आध जगह गलती होगी
हाँ लेकिन मैं उत्तर सूची में कैसे उत्तर लिखूं ये मुझे पता नहीं चल रहा ना, ये क्रम आगे पीछे हो गए ना। हाँ तो उत्तर सूची में तो क्रम से ही दिया हुआ है, एक से लेकर के 1008 तक, तो आप उत्तर सूची में तो क्रम से लिखिए, भले ये उस पुस्तिका में आगे पीछे पन्ने हैं लेकिन उत्तर पुस्तिका में तो आप क्रम से ही जवाब दीजिए, प्रश्न नंबर के हिसाब से, पेज नंबर के हिसाब से नहीं। हाँ ठीक है, और नव अधिकार डबल आया है और क्वेश्चन भी डबल आए हैं, देखो आपको मैं दिखाती हूँ नव अधिकार। ये नव अधिकार, हाँ हाँ डबल आया नव अधिकार। अच्छा बोलो, ये ओके ओके समझ गया, मैं एक बार इसमें बात करके आपसे संपर्क करेंगे जरूर। सतपथ का जो नंबर है वहां भी आप इस तरह के लिख दीजिए, ठीक है। प्राची जी जैन, प्राची जी जैन बोलो। हाँ 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 फोटो नहीं आ रही, हेलो। हाँ जी बोलिए। फोटो नहीं आ रहा, बोलो। वीडियो चालू करेंगे तो फोटो आएगी, अन्यथा आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ आपको। बोलो अपन को जो पूछना है क्या कुछ। हेलो पंडित जी। जी जी बोलिए। जय जिनेन पंडित जी। जय जिनेन। संसार का दुख का बीज भूत क्या है? प्रश्न नंबर बूझो तो जानो ओके, 21 नंबर का है। ओके 900 प्रश्न तक तो हम क्रम से चले हैं, बाद हाँ? में जो प्रश्न हैं वो पूरे ग्रंथ से कहीं से भी लिए हैं। अच्छा तो बाद के प्रश्नों के हम पेज नंबर नहीं बता सकते हैं क्योंकि हाँ? वो पूरे ग्रंथ से ओवरऑल ले लिए हैं। हाँ? क्योंकि वे ही कुछ कठिन प्रश्न हैं जिनसे हम भेद कर पाएंगे प्रथम द्वितीय तृतीय ऊपर से जो ग्रेडिंग बनती है। हाँ 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 तो वो तो आपको थोड़ा सा अपनी ही बुद्धि लगा के और ग्रंथ को पढ़ के ही भरने हैं उसको। जी जी तो एक व्यक्तित्व कर्तित्व में मिलेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगा? ये अधिकांश प्रश्न इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेंगे आपको, व्यक्तित्व कर्तित्व वाले प्रश्न तो शायद 850 से 950 प्रश्न जो है लगभग, मैं एक पुस्तिका मेरे सामने है वहाँ तो मैं बता देता हूँ, व्यक्तित्व कर्तित्व से ज्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन है। ये देखो प्रश्न क्रमांक 851 से लेकर 900 तक जो है वो व्यक्तित्व कर्तित्व से, व्यक्तित्व कर्तित्व के। हाँ 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 बाकी फर्क तो ये जो 900 से 915 और बूझो तो जाने और जोड़ी मिलाओ ये सब मोक्ष हाँ। प्रकाशक की मुख्यता से है, एक आध प्रश्न कहीं से हो तो अलग बात है, बाकी हाँ, हाँ, उसमें से मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है ठीक है जी। नेक्स्ट और पूछना, बस क्वेश्चन भारत क्षेत्र। नेक्स्ट सुधा जी काले, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र आवाज आ रही है? आ रही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मंदिर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। मेरा अंतिम है प्रश्न, बुझो तो जानो कोड़ा, उसमें पहला जो है भरत क्षेत्र के वर्तमान तीर्थ के नायक है वो शासन वर्तमान में लेना है कि 20 तीर्थंकर इसमें भी लेना है? अब ये तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का शायद पहला ही अधिकार है, 3-4-5-6 ऐसे 3-4 पेज हैं उसमें से ही टोडरमल जी साहब ने विस्तृत वर्णन किया है परंपरा के बारे में, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि धर्मतीर्थ के नायक कौन कौन हैं, उनके वहां नाम लिखे हुए हैं कि ये धर्मतीर्थ के नायक हैं। शायद ये प्रश्न क्रमांक 4 या 5 पर होना चाहिए। नहीं वन नहीं पहला। हाँ जी हाँ जी 5 नंबर पेज पे है ये। अच्छा अच्छा धर्मतीर्थ के नायक कौन हैं? और वो ऊपर से नीचे 17 नंबर है उसमें ये दी वाला है कोड़ा में 17 17 नंबर का जी, तो उसमें ये और इसमें से 32 है आखिरी दाएं ऊपर से नीचे तक का। हाँ हाँ तो उसमें पद है तो ये की जगह पे तो होना
आपका 32 नंबर का नहीं या ही आएगा ऊपर से नीचे या आएगा। हाँ नहीं ये 17 है ना वो इधर से 22 17 दाएं से बाएं और 32 दो है। हाँ हाँ समझ गया। तो आपको यहाँ नहीं संशोधन नहीं है यहाँ नीचे या ही आएगा सही लिखा है। दो अलग अलग शब्द हैं और जिनकी शुरुआत एक जैसी होगी। नहीं शुरुआत तो है ये कि सिर्फ नीचे के ये की जगह पे तो आ रहा है। नहीं नहीं वो आप शब्द दूसरा ढूंढिए या आएगा। अभिलाषा जी का जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था जोड़ी मिलाओ में ना ये तत्व विचार और मोहिनी मिल ही नहीं रहा है, बाकी तो सब मिल गए लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिला है इसको। तत्व विचार करके देखिए उससे क्या फायदा होता है और मोहिनी का विचार कीजिए वो कहाँ फिट हो सकता है। बाकी तो सब मिल रहे मिल गए जो कहते हो लेकिन ये दोनों ये बच रहे हैं ये दोनों मिल नहीं रहे। और हाँ तो ये देखो मोह जो है ये कर्म बंधन के क्षेत्र का है ना ये मोह। तो आपको बंध की जो अवस्थाएं होती हैं बंध की जो दशाएं होती हैं वो उसमें कहीं फिट होगा। अब वो कहाँ फिट होगा ये अगर मैं कह दूंगा तो फिर वो गाड़ी जो है पटरी से उतर जाएगी। एक बता दीजिए तो एक हो जाएगा। नहीं तो बाकी भर लीजिए जो बचेगा उसमें वो छोड़ दीजिए अपने आप ही आ जाएगा वो तो फिर ठीक है। और एक और मुझे पूछना था 485 नंबर क्वेश्चन है जी। ऐसा कौन सा भाव है जिसके अभाव में बिना इच्छा के भूख प्यास सहन करने पर भी अकाम निर्जरा नहीं होती, तो उसमें स्पष्ट नहीं मिल रहा है मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगा तो स्पष्ट ही। ऐसा कौन सा भाव है मिल जाएगा आपको ये प्रकरण जो आप देखेंगे ना ये अकाम निर्जरा वाला प्रकरण इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रश्न में स्वयं भी आप विचार करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा आपको प्रश्न हाँ। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान से कह नहीं सकता मैं यहाँ से लेकिन आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा का थोड़ा भी प्रकरण आप देखेंगे तो उसमें पता चल ही जाएगा जी। और ये गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र को क्या कहा जाता है निश्चय संवर की व्यवहार तो लाइन आई नहीं मतलब वो तो आया पूरा कि संवर कहते हैं लेकिन निश्चय आएगा कि व्यवहार आएगा ये नहीं आ रहा। वो देख नहीं पड़ेगा उसको मैं भी क्या कह सकता हूँ उसमें वो फिर वो प्रश्न के उत्तर पूछने वाली बात हो जाती है ना। अपन उस पर विचार कर सकते हैं कि भाई यहाँ और एक एक इसका फिर सेकंड जो एपिसोड अपना चलेगा इसकी प्रतियोगिता के सबमिट होने के बाद फिर हम वहाँ गहन चर्चा कर सकते हैं यहाँ यही क्यों आया आपका उत्तर गलत क्यों हो गया सही उत्तर क्या होना चाहिए वहाँ हम और चर्चाएं कर लेंगे। अभी हम ज्यादा चर्चाएं नहीं कर सकते हैं खास करके सीधे सीधे प्रश्न के उत्तर के मामले में। हाँ तो वो मैच में है पूरा सही ना ऐसा तो नहीं है कि नहीं हमने मिला लिया जहां जहां गलती थी हमने एक शुद्धि पत्र निकाला था तीन चार जगह मिस्टेक थी शब्दों की तो वो हमने शुद्धि पत्र निकाला हुआ है बाकी जगह 892 वाले में भी यही हो रहा है प्रॉब्लम कि वहाँ कई जगह तो बहुत जगह 60,000 आया है और बाकी टोटल मिलाने पे 1,00,000 हो रहा है वो तो रहा है लेकिन कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है। नहीं स्पष्ट भी लिखा मिल जाएगा यदि आप टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व पूरा पढ़ेंगे पूरा मतलब दूसरा और तीसरा अध्याय तो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। दिक्कत ये हो रही है कि हम सिर्फ वही वाले पन्ना पढ़ लेते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं जहाँ 60,000 लिखा है ना यार 1,00,000 लिखा है अब उतना ही से पढ़ रहे हैं थोड़ा आगे पीछे पढ़े तो मिलान हो जाता है। हमारा मतलब प्रयोजन ये है ना कि आप पढ़ें तो एक बार पूरा तो आपको ख्याल में आ जाएगा स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 60,000 है कि 1,00,000 है। इंदिरा जैन जी। इंदिरा जी बोलिए।
एक मिनट प्रश्न तो वही है, ज्ञान कहाँ चला गया, ज्ञान कहाँ चला गया। यदि नहीं मिल रहा हो तो हम तब तक के लिए किसी और को ले लेंगे, आपको पुनः याद कर लेंगे। जी हमें ना ये बुझो तो जाने सब हो गया, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक आत्म धर्म और जिन धर्म का बढ़ाना हमें पूरा मोल स्मार्ट प्रकाशक में खाली पेज नंबर बता दीजिए, हमें कहीं मिला ही नहीं। प्रश्न नंबर, हमारा प्रश्न नंबर बुझो तो जाने नंबर 23 ऊपर से नीचे, बुझो तो जाने में पेज नंबर बता सकते क्योंकि है नहीं हमारे पास। अध्याय बता दीजिए सिर्फ आप हमें, अध्याय बता दीजिए, अध्याय बता दीजिए बस, हम दोबारा पढ़ लेंगे। तो आपको 23 नंबर का है, 23 नंबर का है ये, हां 23 ऊपर से नीचे बढ़ाना आत्म धर्म। भाई साहब माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इसके पेज नंबर नहीं है, 900 प्रश्न के बाद के जो प्रश्न है, जो प्रश्न के पेज नंबर नहीं, पेज नंबर नहीं, 900 तक हम पेज नंबर बता सकते। हाँ, चलिए ढूंढते हैं फिर। जय जिनेंद्र भैया। जैन शुभम जी, जिसको भी आमंत्रित करो ना उसको पहले अनम्यूट कर दो तो स्वयं में शुरू बोलने लग जाए। किया किसी को? शुभम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ भाई साहब, हाँ आ रही है, नेट खत्म हो गया था एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं है, मैं हाँ। रुक जा, मैं करता हूँ यहाँ से, रुक जा, इसमें समय बचेगा। हाँ जी, जिनके हो गए हैं वो हैंड डाउन कर सकते हैं, हैंड रेज की बजाय। मुझे सबसे ऊपर सरोज जी दिख रहे हैं, सरोज जी बोलिए, अपन स्पीड से चलेंगे अभी, है ना टाइम अपना। जी बोलिए। हाँ जी, जय जी। हाँ, ये 437 नंबर वाला क्वेश्चन है, अरहंताधिक की भक्ति से उपयोग परिणामों, तो उपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए नाश वैष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंताधिक की भक्ति को कहा जाता है। भैया हम बहुत कंफ्यूज हैं इसमें, आप पेज नंबर हमें बता दीजिए। प्रश्न नंबर कितना है ये? 437 है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नंबर बोलिए। 437 भैया जी, 437 नहीं, 437, 437 जी। हाँ
437 पेज नंबर 220 से 225 नेक्स्ट। हाँ 220 से 225 ठीक है भैया जी। एक और है प्रश्न, ये 858 858 पंडित सोलनमल व्यक्तित्व तत्व वाला, इसमें रसपूर्ण चिट्ठी को अन्य किस नाम से जाना जाता है भैया? जो हमने दो बार पढ़ा है उसमें एक में अध्यात्म पत्र आ रहा है, एक में उसके सभी आ रहा, मतलब तीनों आ रहे हैं, तो हम कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन तो पुनः पुनः पढ़ने से दूर हो जाएगा। आप एक बार पढ़ लिया हमने पीडीएफ से भी, व्यक्तित्व तत्व वाला ही पढ़ लिया और मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी आगे जो प्रस्तावना में दिया है उससे भी पढ़ लिया है, लेकिन लग रहा हमें आप थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ से क्लियर मिलेगा ये टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व से क्लियर हो जाएगा आपका। जी ओके जी जी जय जिने पंडित। पंडित जी संशोधन पत्र में कौन कौन से क्वेश्चन संशोधन किए वो कैसे मालूम पड़ेगा? टेलीग्राम ग्रुप में वो संशोधन पत्र हमने डाल दिया है, 3 से 4 प्रश्न है जिनमें संशोधन किया है। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, यदि नहीं जुड़ पाए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में होता है कि पुरानी पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाती है पीछे पीछे जाएंगे तो, व्हाट्सएप में वो नहीं दिखता है, व्हाट्सएप में जो नया डालते हैं वो ही दिखता है। बराबर एस जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, बोलिए। ये जो बूझो तो जानो है लास्ट में, हेलो जी, बूझो तो जानो, हाँ उसमें जैसे जो दे रखे हैं जैसे का है और की है, ये डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए या ये हो सकता है, चल सकता है? ये मात्राओं वाला डिफरेंस चल सकता है? ऐसा अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है डिफरेंस की, क्योंकि ये तो एक दूसरे से मिलेंगे ना, आपस में कटेंगे, क्रॉस वर्ड है ना ये, अक्षर अच्छा, एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा एक में ही कंफ्यूजन सा हो रहा था तो दोबारा से फिर चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जी जी नेक्स्ट। अनु जैन। जय जैन पंडित जी। जी पंडित जी, मुझे एक बूझो तो जाने में ये पूछना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है आपको 5 लेटर में भरना है वो जी, लेकिन जो आंसर है वो तो 4 लेटर में ही आ रहा, ये निर्णय आपने कैसे किया? क्योंकि मैंने देखा ग्रंथ में वही, मतलब जो आंसर है उसको पढ़ा, तो या तो फिर ये होगा कि हाफ लेटर को भी एक कॉलम भरना है क्या? नहीं नहीं, हाफ लेटर को कॉलम नहीं भरना पड़ेगा, आपको 5 अक्षर का ऐसा नाम ढूंढना है जो वर्तमान में धर्म तीर्थ का नायक हो। और हाँ, तो वही मैंने देखा तो वो नहीं हो रहा 5 में। पेज नंबर 4 और 5 पढ़िए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, वहां से आपको समाधान मिल जाएगा इसका। हाँ ठीक है, और दूसरा ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन में 2 आंसर भी हो सकते हैं क्या? 2 आंसर कैसे, समझा नहीं? नहीं 2 नहीं हो सकते ना, ये तो मल्टीपल चॉइस में से, सिंगल चॉइस ही है उसमें। अच्छा, जहाँ दोनों नहीं, होंगे नहीं। जहां दोनों होंगे वहां नीचे लिखा हुआ है उक्त दोनों, तो यद्यपि वो 2 है लेकिन हमारे लिए एक ही है वो। हाँ अपने लिए तो एक ही नहीं, जैसे ये है एक 355 उसमें लिखा है कि ये रागादि भाव आत्मा के स्वभाव तो नहीं है, तो किसके निमित्त से होते हैं? तो पुद्गल और कर्म उसमें दोनों ही आ रहा है, तो और उपरोक्त है नहीं उसमें। 355 हाँ तो आपको लग रहा है दोनों होना चाहिए? नहीं मतलब जो पढ़ा ना तो पढ़ा, पढ़ने में आया दोनों, एक जगह आया कि ये भी हो सकता है, एक जगह लिखा है कि रागादि में निमित्त पुद्गल, एक जगह लिखा है रागादि में कर्म निमित्त है, तो फिर
नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अलग अलग लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, एक ही उत्तर है इसका, दो उत्तर नहीं है। ठीक है, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर जो है एक ही है, दो दो उत्तर नहीं है। ठीक है जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सुनीता जी उखड़कर, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न फेज भेजने के बारे में है, मैं नागपुर में ही हूँ जी, और ये जो हम बुक में टिक मार्क कर रहे हैं, ये बुक भेजना है क्या आपको? नहीं, बुक नहीं भेजनी है, सिर्फ आंसर शीट भेजना है आपको। हेलो, सिर्फ आंसर शीट भेजना है। हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा है भाई साहब उनका। आपको सिर्फ आंसर शीट भेजना है सुनीता जी, पुस्तिका वापस नहीं भेजनी है जी। मेरा और एक प्रश्न था कि ये जो समझ में पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी बोलो। उसमें यानी रफार वगैरह लगा सकते हैं क्या? आपने जो एक आर्टिकल दिया है वहां पे, तो उसमें रफार लगा सकते हैं ये शब्द बनाते समय? बूझो तो जानो में, हाँ हाँ, जहाँ आवश्यकता लग रही हो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ, आवश्यकता होनी चाहिए वहाँ। हाँ, आवश्यकता है वहाँ पे जी। ठीक है जी जी, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, धन्यवाद। अलका जी जैन। अलका जी, नया नाम लो जी। विमला जैन जी। जय जिनेंद्र। हाँ पंडित जी, जय जिनेंद्र जी। पंडित जी, मेरा पूछना है कि फोटोकॉपी करके भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं, एक घर में एक से अधिक लोग भाग लेना चाहते हैं, फोटोकॉपी करके भेज सकते हैं, आंसर शीट की भी और अनुमोदना फॉर्म की भी। और दूसरा है कि चित्र प्रतियोगिता जो हैगी जी, वो कैसे कब भेजना है, कैसे भेजना मतलब उसको? उसकी भी तारीख यही है, बाय को पोस्ट बाय कोरियर ही भेजी जाएगी, कैनवास या आर्ट पेपर को रोल करके अच्छे से पैक करके, ताकि वो पचके नहीं, दबे नहीं अंदर, उसमें कुछ ऐसा जो आते हैं इसके पेंटिंग भेजने के भी बॉक्स आते हैं या प्लास्टिक का पाइप आता है, इस पद्धति से भेजें कि सुरक्षित हम तक पहुंच जाए। अच्छा, और एक मेरा ये कहना है कि जैसे हमने भरा है ये पीछे का, उसमें एक एक जैसे 10 नंबर का छूट गया और 11 और 12 नंबर लिख दिया मैंने, उस 10 नंबर को नीचे लिख के नंबर सही कर सकते हैं क्या? ये किसकी बात चल रही है? ये चल रही है कि जी आशा वाले में हुआ है, नहीं इसमें आओ बिखरों को सुलझाए वाले में, आओ बिखरों को सुलझाए वाले में। ओके, दसवां नंबर छूट गया और दसवें नंबर की जगह हमने ग्यारहवां और बारहवां, 11 भर दिया, फिर नीचे 12 भर दिया, लिख दिया, तो मेरा दसवां नंबर मैंने फिर नंबर चेंज करके लिख दिया, तो ऐसा चलेगा क्या? अगर आप जेरोक्स करा के लगा सके पन्ना, हाँ, तो भी चल जाएगा, और नहीं तो फिर उस पर एक स्टिकर लगा के वाइट वाइटनर वैसा, हाँ, करके, हाँ उसके ऊपर लगा देंगे मतलब, क्योंकि जांचने वाला कौन रहेगा और हम उसको ये बात नहीं समझा पाए कि बेटा ऐसे चेक करना है तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अपन आंसर शीट जितनी क्लीन रहेगी वो फटाफट चेक करता जाएगा। ठीक है। रेखा राकेश हर लगे। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र।
इनका भी नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, थोड़ी इंस्टॉलमेंट में आ रही है। ग्रंथ उठाओ, जोड़ी मिलाओ, उसमें सुगंध जो है वो वो कौन से मिल नहीं रहा है, कौन से अधिकार में आता है, थोड़ा बताए तो। अच्छा, ये तो कहीं से भी आ जाएगा। मैं पुनः पुनः वही कहना चाह रहा हूँ, 900 प्रश्न तक तो हमारे पास प्रश्न संख्या, पेज नंबर, पैराग्राफ है। बाद के प्रश्न जो हैं वो पूरे ग्रंथ में से हैं, क्योंकि 900 प्रश्न पढ़ने के बाद ये उत्तर आपको जल्दी से आ ही जाते हैं। बस थोड़ा सा उपयोग मिल नहीं रहा है, मैं दो बार पढ़ी लेकिन मिल नहीं रहा है। सुगंध से पढ़े अलग अलग शब्द होते नहीं ना इसे समझ गया। ये तीसरे अध्याय में मिलेगा आपको, जहाँ पंडित जी साहब ने इंद्रिय सुख का वर्णन किया है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, पांच इंद्रियों का वर्णन किया है, वहां उस प्रकरण में आपको मिलेगा ये। जी नीलू जैन। हम जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये टोडरमल जी की व्यक्तित्व कर्तृत्व में ना 867 नंबर की सर, 867 इसका पेज नंबर बता दीजिए, कौन से पेज नंबर पे मिलेगा इसका आंसर। पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व कर्तृत्व का तो वैसे ही छोटा सा है, इसमें आपको ज्यादा क्यों मेहनत होगी। समकालीन विद्वान, ये तो व्यक्तित्व कर्तृत्व अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत के परिचय में ही आ जाएगा उनका, उनके दोस्त कौन कौन थे, मतलब उनके आसपास जो थे, समकालीन का अर्थ उनके आसपास, उनके ग्रंथों के क्या कहना चाहिए, समकालीन जिनको बोलते हैं अपन, जैसे भगवान महावीर के समकालीन बुद्ध हैं, भगवान महावीर के आसपास ही हुए हैं थोड़े दिन बाद ही, तो ऐसे ही टोडरमल जी के साथ ही या उनके बाद ही जो होने वाले विद्वान हैं उनके नाम है ये। व्यक्तित्व कर्तृत्व में आपको मिल जाएंगे, मेरे पास यहाँ पेज नंबर नहीं लिखा है तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। नीता शाह। नीता जी बोलिए, आवाज आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप। नेक्स्ट ले लीजिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी या वो नहीं जोड़ पा रहे हैं वो नेटवर्क की वजह से। एस जैन। नीता जी जुड़ गई हैं, नीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है 488 वाला। 488 488 जी, उसमें यह धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटता उतना ही छूटा, परंतु इसी को क्या मानकर संतुष्ट नहीं होना है, तो इसमें तप मानकर भी है और निजरा मानकर भी है, और शास्त्र में 232 पर तप जानकर है और निजरा मानकर है, तो आप प्रश्न को फिर से पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। आपको तो ऐसा नहीं, आपको पेज नंबर भी सही मिल गया है और आप जिस प्रकरण में ढूंढ रहे हैं वही इसका उत्तर है, इसमें है, लेकिन इसमें तप मानकर है और इसमें तप जानकर है वो बोलती हूँ। हाँ, तो आप प्रश्न को गहराई से पढ़िए ना, क्या कहना चाह रहे हैं, प्रश्न का पर्पज क्या है। हाँ। यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को क्या मानकर संतुष्ट नहीं होना, इसको तप मानकर संतुष्ट नहीं होना है या निर्जरा मानकर संतुष्ट नहीं होना है या दोनों है या आश्रम मान के संतुष्ट नहीं होना है, ये आप 232 नंबर का पेज एकदम सही कह रहे हैं, इसी के आसपास आपको जवाब मिल जाएगा। इसमें है लेकिन इसमें तप जानकर है और इसमें तप मानकर है और निर्जरा मानकर है, ऐसा बोलते।
समझ गया, इसका खुलासा हम प्रश्न पत्र के बाद में करेंगे, यहाँ यही क्यों आया। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सही पेज पे हैं, अगर उस पेज को आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको जवाब मिल जाएगा। श्रीमती मुकेश जी जैन कोटा। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इसमें ये आ या सा से उत्तर देवे जी, तो जैसे पूछा है कि परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप कौन सा ज्ञान है, तो सा पे बिंदी तो आएगी ना, हाँ तो चल जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, अनुस्वार हलंत चल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। संध्या प्रदीप जी जैन। सर। जय जिनेन्द्र, बोले। जिनेन्द्र सर, चित्रकला प्रतियोगिता ये मतलब सबके लिए अनिवार्य है क्या, ये भेजना करके चित्र? नहीं नहीं, अनिवार्य नहीं। आपने जो इसमें विषय दिए उसके व्यतिरिक्त भी हम मतलब जैसा आपका गोदा जी का वगैरह चित्र भेज सकते क्या? उसको प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा, और कोई विशेष कला आपकी दिखती होगी और कोई सांत्वना पुरस्कार हमारी टीम दे देवे तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। नहीं, पुरस्कार के लिए तो हम करते ही नहीं कुछ, लेकिन नहीं नहीं, आपकी देखिए प्रतियोगिता है तो वो प्रतियोगिता जो पन्ने पर छपी हुई है वहाँ 10 विषय दिए हुए हैं, और उन 10 विषयों का तात्पर्य यह है कि हमारे देश से कोई अच्छे कलाकार, अच्छी चीज हमारे सामने आती है, जैसे हमारे पास सुंदर सुंदर चित्र अनेकांत के हैं, संसार वृक्ष के हैं, ऐसे नए चित्र भी हमारे सामने आ सकते हैं। उसके अलावा विषय लिए तो इसमें गर्वित नहीं होंगे प्रतियोगिता में? प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे, और कोई विशिष्ट रहा, अद्भुत विषय रहा और ऐसा लगा कि नहीं शामिल करना चाहिए तो हो भी जाएंगे, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, निर्भर करता है आपके चित्र और चित्र की जो कला है उसके ऊपर। सर ये प्रतियोगिता के कारण हमारे मंदकशाएं हो रहे, यही हमारा प्राइज है, और हमारे भव सागर जल्दी से जल्दी कम हो गए आपके निमित्त से। बस बस, टोडरमल जी बैठे अब। नहीं नहीं साहब, हम तो कुछ भी नहीं है, दासानुदास है, कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ पाए, समझ पाए, इस दुर्लभ काल में जिनवाणी हमारे पास बनी रहे। मेहनत सचमुच बहुत ही सराहनीय है। बस बस, आप लोगों का स्नेह बना रहे और स्वाध्याय में अपन रत रहे, यही भावना है। और प्रश्न भी ऐसे दिमाग से निकाले, हम तो पागल हो रहे उसके मतलब वो सोच 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 के, मेरे मिस्टर तो दिन रात इसमें ही बैठ रहे सर, उनको तो खाने पीने की भी सूद नहीं रह रही, जैसे कि टोडरमल जी को नमक नहीं था खाने में 6 महीने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? देवलगांव रजा, महाराष्ट्र से। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे दो पंडित जी जयपुर से पढ़ के आए हुए, हमारा रोज स्वाध्याय चलता है यहाँ। कौन कौन? एक बर्ण सर है और विजय आह्वान है। ओके, डेली लेते वो, आप भी आओ हमारा गाँव तो प्रसिद्ध है देवलगांव रजा। आएंगे। हेलो, हाँ जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही? आ रही आ रही। वो पूछना था कि वो जो है ना वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक जी लास्ट वाले इसमें, हाँ, समझ तो वो 5 नंबर पेज में तो 2400 तीर्थंकर के नाम देके कहा है कि ये वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक है जी, है ना। और फिर आगे एक जगह 7 पेज नंबर शायद तो श्री वर्धमान ऐसा भी लिखा है, पर उसके आगे ऐसा नहीं लिखा कि धर्म तीर्थ के नायक बोल के, तो फिर वहाँ हम हाँ तो अभिनंदन भी ले सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। धर्म तीर्थ के नायक तो हम वर्धमान स्वामी को ही कहते हैं ना। अब वो टोडरमल जी साहब ने जिनको धर्म तीर्थ का नायक कहा है तो कह सकते हैं, और वास्तव में देखा जाए पहले भी कहा, हम भगवान महावीर को वर्तमान शासन नायक कहते हैं, उनका शासन हाँ, चल रहा है। धर्म तीर्थ के नायक तो 2400 तीर्थंकर हैं और भी अन्य जो टोटल मल जी साहब ने उसका खुलासा किया है वो, है ना, किया है, किया। हाँ जी, हाँ जी, जय जय। नरेंद्र कुमार जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आइए, आओ बिखरों को सुलझाए में, भारी काम है, आओ बिखरों को सुलझाए। एक बार जो बिखर जाता है कहाँ सुलझता है, अलग अलग घर बना के रहने लग जाता है। 16 नंबर का जी,
ये असमान जाति ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा उसमें, ये लिखा नहीं है। 16 नंबर असमान जाति लिखा, असमान जाति होता है। नहीं तो आप तो जो लिखा है उतने में से बना दो ना, आप क्यों कम जा रहे हैं। या मिसिंग तो नहीं है ना उसमें, ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं मिसिंग नहीं है, बस 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 यही पूछना था, बाकी तो आ गया। थैंक यू, हमको यही डाउट हो रहा था बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी जी। हेमा जी मेहता, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हम गुजरात से हैं जी, तो क्या हम सब जो वो ग्रंथ उठाओ या आओ बिखरे सुलझाओ, वो क्या हम गुजराती में लिख सकते हैं या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा? लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। कोई ऐतराज नहीं ना सर? कोई ऐतराज नहीं, गुरुदेव श्री की कृपा से हम गुजराती सीख गए हैं। ओके नहीं मतलब वही प्रॉब्लम है, बस खाली गुजराती में लिखना है कि हिंदी में वही जानना चले, चलेगा। हिंदी से जमता हो तो हिंदी से लिखें, नहीं भी जमता हो तो गुजराती में लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। एक एक शब्द है हमारी समझ में आ जाएगा जी। ओके थैंक यू, थैंक यू। इंदिरा जी जैन जी, मेरा प्रश्न है 479 जी। हेलो 479, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा प्रश्न 479। निश्चय से निष्कर्षाय भाव ही चारित है, फिर भी आगम में महाव्रत में चारित का उपचार किया है, क्योंकि महा हाँ बोलिए आप 479। निश्चय से निकषाय भाव ही चारित्र है, फिर भी आगम में महाव्रतों में चारित का उपचार किया है, क्योंकि महाव्रत महाव्रतावादी महाव्रतावादी होने से होने पर ही। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरा 479 प्रश्न है। हेलो भाई साहब, हेलो स्पीकर, हेलो। हाँ हमें आवाज आ रही है, आप बताइए। आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है, मेरा जवाब सुनिए। हाँ इसमें लिखा हुआ है निश्चय से निष्कषाय भाव ही चारित्र है, फिर भी आगम में महाव्रत में चारित्र का उपचार किया है, तो महाव्रतों में चारित्र का क्यों उपचार किया है ये बताना है। सराग चारित्र होता है उनके होने पर, या वितराग चारित्र होता है, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं होता है, वो एक आपको चुनना है। 225 से 235 के बीच में इसका जवाब मिल जाएगा, 225 से 235 तक। हाँ ठीक है, ये एक और है 479। 479 तो यही था, दूसरा बोलिए। 479 तो यही था, 389 जी। जिस जीव को राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह किसके चिंतन से निर्जरा बंध मानता है? इसका उत्तर आपको 208 से 212 में मिल जाएगा। देख तो लिया जी, पर उसमें कंफ्यूज हो रही, स्वद्रव परदेव, तो कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन तो सम्यक दर्शन के बाद दूर होगा। मतलब मैं यहाँ से उत्तर नहीं बता सकता, इसलिए मैं सब बोल देता हूँ, बुरा मत मानना। फिर से इसको बार बार पढ़े है ना जी जी, वो एक सबसे बढ़िया रास्ता है, जब हम उसको पंक्ति को पुनः पुनः पढ़ते हैं तो उत्तर उसमें से, हाँ उत्तर उसमें से निकलता है जी। धन्यवाद जी, जय जय जय। अशोक जी जैन, अशोक जी, शोभन जी कोई मैसेज कर रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर, उन्हें मैसेज नहीं मिला है, तो आप उसको जो शुद्धि पत्रक है ना उसको पुनः डाल दो जी भाई साहब। ठीक, अशोक जी बोलिए। अशोक जी जोड़ी भी बनाओ, मैं चारित मोहिनी में क्या लेना, मोहिनी कर्म में क्या लेना है, ये तो आप बता सकते हैं। मोहिनी कर्म में क्या लेना है, मोहिनी कर्म का क्या होता है, मोहिनी कर्म के साथ कर्मों की कौन सी दशाएं होती है, क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या, स्थिति बनती है उनकी।
बैठ नहीं रहा कुछ नहीं बैठेगा वो बिना बैठे काम चलेगा हाँ बैठेगा तो है क्योंकि वो लास्ट के ही प्रश्न है जहां से थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता है। एक तो मार्गणा वाला जो है उसमें भेद प्रभेद दोनों ले लेना, अकेले भेद मत गिनना, भेद प्रभेद दोनों ले लेंगे तो मार्गणा वाला क्लियर हो जाएगा और फिर आपको मोहिनी में थोड़ी अनुकूलता हो जाएगी। हाँ मार्गणा में अपन भेद में जाते ना 14 भेद, आप प्रभेद में भी चले जाइए तो आपको मिल जाएगा मार्गणा के सामने। और दूसरा जो है मोहिनी वाला उसमें भी आपको बैठ जाएगा जी। दिनेश जी जैन प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद बोलेंगे कि यहाँ यही क्यों आया और कदाचित कुछ मिस्टेक होगी तो हम क्षमा मांगेंगे कि निशा हमसे भूल हो गई। दिनेश जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। आ और या सा से जो अक्षर से उत्तर देने वाला पार्ट है इसमें 15 जो है अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, ऐसा किस ग्रंथ में कहा है, इसका रेफरेंस कहाँ देखना है, कहाँ से कहा? मोक्ष और प्रकाशक में, क्योंकि टोडरमल जी ने भी अन्य ग्रंथों के उदाहरण देके कुछ बातें समझाई है ना। उदाहरण तो बहुत बहुत सारे आए हैं। नहीं ये वाली पंक्ति कहीं से ली है टोडरमल जी ने, अभव्य को भी तत्व श्रद्धान होने पर मिथ्या दर्शन रहता है, उन्होंने किसी ग्रंथ का उदाहरण देके बात समझाई है तो उस ग्रंथ का अपन यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। पेज का रेफरेंस कुछ आसपास या अध्याय? नहीं इसमें पेज और अध्याय नहीं है मेरे पास, 900 तक पेज अध्याय हैं। अच्छा इसको नहीं, ऐसे ही 18 जो था इसका भी देखना था, कैसे गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, कौन सा? इसी में 18वां नंबर का जी, कैसे गुरु के नियोग से असत्य का श्रद्धान करता है। तो ये तो आपने मोक्ष प्रकाशक पढ़ा होगा, 6वें अध्याय के आसपास होना चाहिए, जहां तक गुरुओं का तो वही प्रकरण है, और भी आगे पीछे हो सकता, मैं कह नहीं सकता इसका पेज नंबर अध्याय है ना। 900 तक तो मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बाद तो थोड़ा सा श्रम करें और जो रह जाएंगे अपन प्रतियोगिता के बाद भरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुनीता जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ मेरे को भी बस इसमें जोड़ी मिलाओ में थोड़ा कंफ्यूजन था, जैसे एक आंसर के कई सारे जोड़े बन रहे, जैसे सम्यक का है जो आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और नहीं, कुछ लोग नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग चैट बॉक्स में उसके जवाब दे रहे हैं तो आप चैट बॉक्स भी चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब वहां मिल जाए। कुछ लोग उसमें जैसे सुलोचना जी ने बीच बीच में पेज नंबर लिखा है, अभी किसी ने पेज नंबर लिखा है पेज नंबर 13, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, मैं ये सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। जी जी वो सब हो गए, बस मुझे तो इसमें ये कंफ्यूजन था, जैसे इसमें सम्यक्त का है तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आप कौन सा सही मानेंगे, जैसे सम्यक्त मार्गना भी होती है और सम्यक्त में तत्व विचार का भी आया था। और समझ गया, मैं इसीलिए कहा था मार्गणा में आप भेद प्रभेद भी स्वीकार कर लेना तो आपको वो मिल जाएगा उत्तर। और रही बात स्वीकार करने की, एक जोड़ी भी गलत हुई तो उसकी वजह से दो गलत होंगी। हाँ जी जी। क्योंकि सामने वाले का अपन छीन लेंगे तो अपना छीन ले जाएगा, तो इसलिए जोड़ी में जो जो सही मिलती है 100% पहले उनको मिला लीजिए और जो बच जाएंगी फिर उन पर मिला लीजिए, तो आपकी अनुकूलता हो जाएगी उसमें। जी जी सब हो गए भाई सब, बहुत बहुत बधाई हो, हमारी यही भावना थी, 7 बजे तक बैठे थे, अपने 7:30 हो गए हैं। देखिए सच बात यह है, हमारा जो उद्देश्य था हम उस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं, प्रयास हमारे सार्थक हो रहे हैं, हम पढ़ें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, जल्दी भर के जमा करके भी क्या कर लेंगे आप, और पढ़ें उसको। अच्छा जमा करने के बाद भी ये पुस्तिका आपके पास रहने वाली है, जब भी मन हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को फिर पढ़ें, इससे अर्थ क्या निकलेगा, इससे फायदा ये होगा कि तत्काल लाभ तो हो ही जाएगा मंद कषाय आदि का, असली लाभ जो है कि हमारा श्रद्धान सम्यक दिशा की ओर मुड़ जाएगा। टोडरमल जी ने बहुत श्रम करके ये ग्रंथ लिखा है, बहुत श्रम करके, ये समझ लीजिए जिनागम के उपलब्ध जितने भी ग्रंथ हैं वर्तमान में उन सब ग्रंथों को सार रूप हमारी भाषा में प्रस्तुत किया है,
जैसे छह ढाला में आपको समरी मिल जाती है ना सारी पद्य रूप से, बिल्कुल वैसे ही है। मुझे तो लगता है कि छह ढाला कारण है भी, छह ढाला मोक्षमार्ग प्रकाशक को देख देख के बनाई है, उसी क्रम से पूरा वर्णन है, चार गतियों का वर्णन है, फिर ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, सम्यक दर्शन का वर्णन है, सात तत्व का वर्णन है, श्रावकों की चर्या का वर्णन है, मुनि धर्म का वर्णन है। इस तरह से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक यदि आपने पढ़ लिया है तो मैं समझता हूँ आपके कई रहस्य खुल जाएंगे। आठवां अध्याय आपको तबीयत खुश कर देगा, जो अनियोगों में विवाद है, पूरे देश में कोई निश्चय नए को लेके लड़ता है, कोई व्यवहार नए को लड़ता है। तो टोटरमल जी साहब ने कितना सरल कर दिया है कि भाई नयों की अपेक्षा समझिए आप, इसमें कषाय की आवश्यकता नहीं है। निश्चय नय का यह प्रयोजन है, व्यवहार नय का यह प्रयोजन है, जब जिस नय की आवश्यकता हो उस नय का आप उपयोग कर लीजिएगा। तो जो जिन शासन बहुत सरल था, इतना सरल था कि सांप नेवले गधे घोड़े इनको भी समझ में आ जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य इस काल का कि मनुष्यों को समझ में नहीं आ रहा है। वे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, होता है बुद्धि की बलिहारी है ये। समोसरण में हमने सुना है त्रेंच गति के जीव भी जाते हैं सम्यक दर्शन लेके आ जाते हैं और मनुष्य रूखा लौट आता है, तो ये मनुष्य का दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। तो विशुद्धि अंदर में हो, परिणाम भद्र हो, कषाय शांत हो तो मार्ग जल्दी मिल जाता है, कषाय तीव्र हो तो मिला हुआ मार्ग छूट जाता है। इसलिए और टोडरमल जी ने तो बहुत लॉजिक से बात की है, उन्होंने एक जगह भी ये नहीं कहा मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए आप ऐसा मान लो, आप तो विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए, तो उसके तहत जवाब दिया है। एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, क्या है जी, कुछ कह रहे। हाँ जी, उनको बुला लीजिए और ये कुछ कह रहे हैं पंडित जी, मुझे ड्रॉइंग से रिलेटेड प्रश्न है, आप पूछिए कोई दिक्कत नहीं। बिमला जी, हाँ जी बोलिए। जय जी ने विपिन जी जी, अभी जो एक एक दो लोगों ने जो प्रश्न पूछा ना विपिन जी, इसके बारे में मेरे पास बहुत फोन आए थे, तो मैं वो बोल रही जो ये है ना बूझो तो जाने, तो लोगों को कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जो 22 से नीचे आ रहा है ना वो 26 तक एक शब्द बनेगा, और फिर उसके बाद उसमें 6 और 26 लिखा है, तो 6 से नीचे में एक शब्द बनेगा, खड़े में और आड़े में एक शब्द बनेगा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं पूरा 22 से लेके नीचे तक जा रहा है, इसलिए उनको वो शब्द नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों के प्रश्न आए मेरे पास फोन पे भी आए थे, बस ये कहना चाह रही थी मैं। नहीं, अपन ने तो इसमें देखो सब में अक्षर लिखे हैं ना, 5 अक्षर। हाँ, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा भैया उस पे, लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। आप तो अपने 5 अक्षर का ढूंढिए और 5 अक्षर का लिख दीजिए, फिर आपको सेटिंग मिल जाएगा, 6 अक्षर वाला मत ढूंढिए। हाँ वही एक है कि उसमें 6 वाला अलग है, दूसरा शब्द आएगा 6 से नीचे में और 26 में दूसरा शब्द आएगा, तो वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा। जी 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 हाँ, अभी इनको ये डॉक्टर साहब को कुछ पूछना है। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जय जी जी, आज हम आपका इलाज करेंगे, हमेशा आप हमारा इलाज करते हैं, बताइए। ये जोड़ी मिलाव में शंका मुझे जी, 5 नंबर के अपोजिट जो गणित है। हाँ है, गणित है। वो कहाँ पे उसको रेफरेंस दीजिए, उसको कहाँ पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका। गणित को जैन दर्शन में गणित का उपयोग कहाँ होता है वो अपने को विचार करना होगा। कर्णानुयोग में। हाँ तो बस कर्णानुयोग से मिलता जुलता शब्द आपको मिल जाएगा, तो उससे आपकी जोड़ी बैठ जाएगी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। जय जिनेंद्र। सोनिया जी जैन जी बोलिए। पंडित जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रहा था कि 11वां टॉपिक जो आत्मा है, मैं उस पे सिद्ध भगवान की तस्वीर बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आत्मा को दिखाना चाहें वैसे आत्मा को दिखा सकते हैं। जी जी, हमें ऐसा दिखाओ कि आत्मा समझ में आ जाए कि ये आत्मा है। मतलब आप ऐसे भी, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एक बार आत्मा का चित्र बनवाया था यहाँ, तो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और उसके सेंटर में आत्मा, निर्मल धवल उज्ज्वल एकदम निरावरण, और बाकी सब कचरा पट्टी बाहर, और अकेले आत्मा के भी बनाएंगे तो चल जाएगा। आप जैसा चाहे बना सकते, कोई ऐतराज नहीं है, ये तो कलाकार की हुआ है कल्पना, जैसा चाहे वैसे कह सकते हैं। कमल जी। कमल जी जी,
आपने भेद प्रभेद के लिए, मारगणा के लिए भेद प्रभेद बोला है, मोहिनी के लिए भी कुछ बोला था? मोहिनी के तो इसमें ही मिल जाएगा आपको, मोहिनी के लिए तो मैंने यही बोला था कि चूंकि मोहिनी एक कर्म है, हाँ, तो कर्म के साथ जो जो हो सकता है उससे रिलेटेड आपको वर्ड मिल जाएगा। ठीक सर, कर्मों के आसपास देखेंगे, हाँ, तो आपको ख्याल में आ जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद जी। जय जय। कोकिला जी मेहता। हाँ, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, वस्त्रापुर से। बहुत बढ़िया, बोलिए साहब। हाँ, मुझे एक शंका है जी, भव्य और अभव्य जोड़ी मिला हुआ है, इसमें दोनों में पाए उपलब्धि है, भव्य ने वैसे है ना, अभव्य ने वैसे नहीं, प्रायोग लब्धि दोनों में नहीं जाएगी, या तो भव्य में जाएगी या अभव्य में जाएगी, एक में ही जाएगी, दो में क्यों जाएगी? पर बनने ना हो ऐसा ना, नहीं, प्रायोग लब्धि का काम क्या है, प्रायोग लब्धि किसको हो सकती है, तो उसमें से आप देख सकते हैं, इधर भव्य तो है ही नहीं कहीं, भव्य ऑप्शन में कहाँ है, क्या नहीं है? अकेला अभव्य लिखा है, दोनों को होती है, एक से चार। हाँ नहीं, होती दोनों को है, अपन तो यहाँ ये देखें यहाँ किसको हो रही है, एक से लेकर के 20 तक नंबर जो दिए हैं, इस 20 में से जो मिल जाए उसके साथ अपन रख दो। नहीं, अभव्य और भव्य को दोनों को पाए उपलब्धि होती है ना? हाँ, होने दो ना दोनों को, यहाँ किसको हो रही है, यहाँ जो मिल जाए, यहाँ भव्य मिल जाए तो भव्य के साथ लिख दो, अभव्य मिल जाए तो अभव्य के साथ लिख दो। और कुछ तो है दूसरा वस्तु, मिथ्या तो है, वो अनुभाग में जाता है, अब वो नहीं बता सकता मैं किसमें जाएगा ये नहीं बता सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि मारगणा का जो भेद थे ना, मारगणा के भेद में तो वहां भेद प्रभेद दोनों को ले लेना, और ये सुझाव मुझे हमारी लता चाची हैं, वो अभ्यास करती हैं, उन्होंने बताया कि इससे आपको सरल हो जाएगा भरते समय, अकेले भेदों में ढूंढेंगे तो कदाचित नहीं मिलता है, प्रभेद में जाएंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा मार्गणा के संदर्भ में, बाकी सब तो थोड़ा सा द्वारा द्वारा पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। जय जिनेन्द्र। बचे हुए तो गुरुदेव श्री से पूछिए। अलका जी जैन। मैं समझता हूँ अभी है क्या, चलो अलका जी बोलिए। जी जी बोलिए, जिनके हो गए हैं वो हैंड डाउन कर सकते हैं, उसमें बटन आता है, जैसे हैंड रेज करने का आता है ऐसे हैंड डाउन करने का भी आता है, हमको यहाँ स्पष्ट दिखे भाई, इनसे नहीं पूछना, शायद वो नेटवर्क में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अपन सबने बहुत बढ़िया तत्व अभ्यास सबका चल रहा है, और इसी तरह से आप सब स्वाध्याय करते रहिए। हाँ जी, अलका जी आ गई हैं, लास्ट कैंडिडेट अपन ले लेते हैं। नहीं सर, मुझे कुछ पूछना नहीं, हैंड रेज अपने आप हो जा रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, ये टेक्निकल एरर है, सुनना है मुझे, फोन आपसे कह रहा है कि कुछ तो पूछ लो भाई साहब, नहीं पूछ रहा, मेरा दो बार नाम भूल चुका ना। जी जी, समझ गया, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले शनिवार को रात्रि 9:45। और देखो, आप मिठाई आप खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं तो यही कहूंगा अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, और भी कोई हो उनको प्रेरित कीजिए, और इसमें भाग लेवें, जेरोक्स करके भी भाग ले सकते हैं, और नहीं भी भाग लेवें तो सुने, प्रतियोगिता में जरूरी नहीं आप पार्टिसिपेट करें, आप समझो हर शनिवार को जो अपन प्रतियोगिता रखते हैं, आप तटस्थ भाव से आके बैठेंगे भी तो भी आपकी ज्ञान वृद्धि होगी, तो भी आपको उसका स्वाध्याय का आपको लाभ मिलेगा, ये समझो वो स्वाध्याय की ही श्रृंखला है, इसलिए जिनको स्वाध्याय की रुचि है, भाग नहीं भी ले रहे हो, वे भी उसमें भाग ले रहे। चलिए ठीक है, जय बोलो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, सर्वज्ञ देव भगवान की जय। जय जय, सभी साधारणियों को।